हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आप लोग को एक और नए ब्लॉग पर। एकदम सुबह सुबह उठे हैं, उठने के साथ साथ सबसे पहले रेयन बेटा ने हमें जगा दिया है। हेलो रेयन बेटा, गुड मॉर्निंग। देखो ना, हंस रहा है। अब इसका तबीयत जो है ठीक हो गया। देखो मोबाइल पकड़ना है। अलमस दीदी हमारे घर आ गई है। ये है हम लोग का अंजिका, उसका ब्लॉग में जो है कमेंट करता है बहुत सारे। उसको ये ना ऑलमोस्ट और बेसिकली वो दो बात जो है बहुत ज्यादा बोलती है। ऐसे होता है, मेरा भी कुछ कुछ है। मैं बोलती हूँ और मेरा हाथ ना हमेशा ऐसे ऐसे रहता है, ऐसे ऐसे करते हुए मैं हाथ को। एक आदत होता है इंसान का, तो एक ना एक आदत ही रहेगा, आदत ही रहता है। और मेरा सासू माँ ने जो है एकदम सुबह सुबह उठते ही पता नहीं कहाँ पे वॉक करने के लिए गई है, और इधर पे जो है कोचू रख दिया। यहाँ पे एक तू होइदे और यहाँ पे मुरी और ये हुजू। ये हम लोग नहीं, ये हम लोग का लैंग्वेज से मैंने बता दिया। मैंने दीदी से क्या बोला, दीदी ने पूछा था कि ये बर्तन वगैरह वॉश किया है क्या। पहले बोला नहीं नहीं, ऐसे आवाज जो है एकदम अजीब से निकल आया, ऐसे दुलाया हुआ जैसा लगता है ना। नहीं दुलाया है। कल पूरा पूरा एकदम पेट भर के जो है खाना खाया था, सीधा जाना पड़ा काम है। सोची तो अभी जो है हम सबसे पहले घर की साफ सफाई करेंगे और पानी वगैरह उठाएंगे, फ्रेश अप हो जाएंगे, ब्रेकफास्ट वगैरह बनाएंगे। ये जो है सुबह सुबह वीडियो अपलोड करने आए थे हम लोग का घर पे, और उसके डॉगी जो है मैगी आई है। बाबूचे पूरा उससे डरता है। देखो 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 उधर में, अभी आसपास में भी आ नहीं पा रहे गाबूची, क्योंकि एक बार जो है मैगी को अटैक किया था गाबूचे ने। मैगी जो है उसको डायरेक्ट नोच करके खत्म फेस पर। ये देखो मैगी मैगी, ए देखो ओ गाबूची, ए बा सुसु कर रहा है, इतना बदमाश है गाबूची। मैगी ओ गाबूची, डरता है ना मैगी से। हाँ चलो मैगी मैगी अटैक अटैक अटैक। पानी वगैरह जो है उठा दिया है, इसी से जो है ब्रेकफास्ट वगैरह बनाएंगे और बर्तन वगैरह वॉश करेंगे। अभी ये कल का बर्तन वगैरह जो है वॉश कर देती हूँ, क्योंकि हम लोग जो है रात को बर्तन वगैरह नहीं धोया, तकलीफ लगता है खाना खाने के बाद इतना रात को। तो अभी जो है इसको मैं वॉश करके लेके आ जाती हूँ। और लाइट भी है, लाइट रहने से ईजी होता है। मेरा रेहन बाबू कर रहा है, जल्दी जाग गया ना, तो फिर से जो है उसको शायद नींद लग रहा होगा। अब खाली बर्तन धो के फ्रेश अप होना पड़ेगा। सुबह सुबह तो ये काम जो है कंप्लीट करना पड़ता है। तो बोलेगा हम लोग का बाथरूम पे जो है ये खाली बर्तन जो वॉश कर रहे हैं ना हम, हम लोग का आदत है क्या करें, हम लोग बाथरूम को क्या उतना गंदा करके नहीं रखते, फिर से सफा करते हैं ब्रश मार मार के। अब ये जो तेल मसाला वगैरह ना हम साइड में फेंक देते हैं, बस ये थोड़ा ज्यादा पानी में हम अच्छे से वॉश कर सकते हैं। ये देखो सोने का थाली। सच में वो रेत से रगर रगर के वॉश करने से सच में सोने का जैसा लगता है। एग्जैक्ट ना, कलर कलर कुछ अलग ही है इसका। हाँ डायरेक्ट गोल्डन करके। अभी ना इसी से अगर ये सफा करेगा तो ये वाला कौन, ये वाला एक सेकंड ना हम दिखाएगा, जल्दी दिखाएगा आपको। जल्दी ये बालू से हम सफा करेगा तो एक ही बार में देखना, हाँ अभी कितना सफा हो जाएगा। हम सिर्फ डीम साबुन से सफा किया था क्योंकि उतना गंदा नहीं लगा था मुझे। अभी दिखाती हूँ, अभी ये बन जाएगी सोना थाली। वाओ ये देखो कैसा लग रहा है, एकदम चमक रहा है। हाँ चमक रहा है ना। हाँ ये देखो, ये पीतल को ना जितना ऐसे बालू से सफा करोगे उतना उसका कलर जो है बहुत मजा आता है। अभी मम्मी का वाला भी पूरा उसका कलर आता है ना। हाँ अभी मम्मी का भी इतना सुंदर हो जाएगा।
गुस्सा आने से अगर ये थाली फेंक देगा ना मुंह पे पूरा खत्म है। कितना दार है साइड साइड वाला। हाँ। साइड साइड वाला बहुत दार है। अभी ये भी बन चुका है सोने का थाली। वाह चमक गया। मम्मी और रूपम सोने का थाली में खाना खाते हैं। ये देखो चमक गया पूरा। चमक गया। बहुत सुंदर हुआ है ना। बहुत सुंदर लग रहा है। पूरा चमक जाता है ना बाली से वो कहने हाँ। से पुराने जमाने में ना दादाजी लोग का जमाने में ऐसा थाली बर्तन ज्यादा ज्यादा यूज करते थे। अरे हम लोग का जमाने में नहीं चल रहा है, थोड़ा कम चल रहा है। हाँ। मुझे तो आलसी लगता है सच बताओ तो। क्योंकि इसको खाना खाने के बाद जो है वो थोड़ा के लिए गंदा करके रख नहीं सकते, एकदम काला 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 हो जाता है। पर डोट डोट ना। तो जब भी आप खाना खाने के बाद इसको फटक फटक से जो है थोड़ा सा बालू से ऐसे सफा सफा रगड़ रगड़ के सफा करो तो पूरा देखो चमक रहा है। पूरा तो चमक गया। हर बारी में कौन वही तो। अभी तो मैं मैजिक दिखा दिया बस। पिक्चर बाकी है। पिक्चर अभी बाकी है। तो आलसी लगता है। मेरा पास भी एक तो है, हम लोगों ने खेत किया था लेमोर में तो उसी पैसे से लिया था 600 में ये वाला। मेरा वाला भी है। अभी तो बहुत दाम हो गया। दाम होता है अभी बहुत ज्यादा दाम हो गया। बहुत दाम है। वाह बच्चा रखने का टाइम में जो है ये आदमी जो टी शर्ट को उल्टा करके पहना है। ये मैगी है मुझे लगा ये वो गौची का गर्लफ्रेंड। मम्मी भी सोचा था वो हट बोला है मम्मी तो पूरा। अरे मैगी मैं तो नहीं पहचाना था तुझे। मैगी है ना ये। अभी पहचाना है। राम बेटा शर्ट उल्टा पहन दिया ना। हाँ शर्ट उल्टा पहन दिया। क्या हो गया इसको, नींद लग रहा है क्या? अभी हम फ्रेश अप हो जाएगा। टिक 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 बम बम बम। नींद लग रहा है। हाँ अभी मैं जल्दी मुंह धो लेती हूँ, इसको सुलाना पड़ेगा। और अभी क्या टाइम पता नहीं कितना हुआ। ये देखो मौसम जो है काफी अच्छा कर दिया। मजा एकदम ठंडा ठंडा। वैसे जैसे बारिश खत्म हो गया थोड़ा फॉग निकला हुआ है, ठंडा लगता है अभी आधी रात को। रेवन बेटा को मैंने दूध पिला के सुला दिया है। मंजिता जो है उसको झूला झूला रही है और दीदी जो है ब्रेकफास्ट वगैरह बना रही है। अंजिका की तरह ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया क्या? ऑलमोस्ट होने वाला है। हाँ। पूरा। और हमारे घर पे जो है सॉन्ग ना क्या है। हाँ सॉन्ग सिस्टर आई थी वो भी ना किसी को कैसे रिप्लाई दिया था, किसी ने उसको कमेंट किया था कि आपका आईज कहाँ है तो उसने रिप्लाई में दिया है ध्यान से देखो। हाँ तो उसका नाम छोटा छोटा है ना, उसका नाम ध्यान से देखो सब ऐसे मजाक मजाक में बोलता है। उसका नाम तो ध्यान से देखो। हाँ। अंजिका का नाम ऑलमोस्ट, मेरा नाम रानू मंदल। चलो और मंजिता जो है भूख लग रही थी बोला तो 10 रुपया वाला केक जो है मैं कल लाया थी वहां से एक तो खा लिया और अभी थोड़ा सा चावल पकने में थोड़ा टाइम है तो इसको बहुत भूख लग गई। बेटा रेवन को थोड़ा थोड़ा करके झुलाओ। हाँ जागेगा नहीं तो मुझे चावल सफा करना पड़ेगा। अभी मैं जो है दुकान जाऊंगी, दुकान से जो है एक चावल का बोरी लेके आऊंगी। पहले जो लेके आई थी वो वाला जो है खत्म हो गया, एक महीना से ज्यादा हो गया क्या वो वाला। हाँ हो जाएगा क्योंकि एक चावल का बैग जो है एक महीना तक टिकता है और हमारे घर पे मेहमान भी आते जाते हैं ना तो अच्छा है वो। तो अभी फिर से जो है एक और बैग लेके आऊंगी। पैसा लेके जाना पड़ेगा। यहाँ पे कल मेरा पति जो है ATM से निकाल के लाया था, कितना लेके जाओ 2000 रुपया लेके जाने से हो जाएगा। एक चावल का बैग जो है 1850 हो जाएगा। सेक्रेट ये देखो सेक्रेट। अभी हर बार में वहां में रख रही हूँ मैं, नहीं तो छुपा के रखती हूँ। दिखा दिया। आई एम गोइंग टू दुकान, आई एम बाइंग 1 चावल बैग। व्हाई? पहले मैं जाने वाली थी दुकान पे, अच्छा हो गया मेरा पति जो है अभी जाएगा ये। और ये बोल रहा है कि जो मैं लेके आने वाली थी ना वो वाला जो है आसाम का सप्लाई है, लोकल है वो भी। और ये कह रहा है कि फिर से एक लाही चावल होता है वो तो उससे भी लोकल है तो वो ही लाने के लिए। वो थोड़ा महंगा है ना। यस महंगा वाला। हाँ बहुत अच्छा है क्योंकि वो चावल ना मुझे खाने का मन है। जितना वो चावल बोला पाकी से दे। जितना खाऊंगे दूध अच्छा से होता है। और यहाँ में कीवी फ्रूट रखा था
जरा देखते हैं कीवी फ्रूट, कीवी फ्रूट। ये देखो इधर में, ये जीरो से दीदी ने भेजा था। चलो लेके आओ जल्दी, हम सफा करना पड़ेगा ना, हम आज घूमने जाएंगा। मम्मी ने जो है यहाँ पे देखो पके हुए मिर्च को जो है धूप में दे दिया है, पर धूप नहीं है, अभी तक धूप नहीं आया है। और ये दोनों जा रहे हैं गाबुचे, जब भी स्कूटी पकड़ता है यहाँ कोई ना कोई पकड़ेगा, गाबुचे पूरा जाता है। रेडी, यू गाइस रेडी? यस। हाँ चलो अच्छे से जाओ। और ये जाएगा तो कैसे लेके आएगा, कैसे लेके आएगा चावल का बैग? तेल नहीं है, तेल नहीं है। अभी जो है यहाँ बाहर पर मैं आग जला दिया है, मैंने आग जला दिया और पूरा हेलीकॉप्टर जा रहा है, इतना आवाज़ है ना, इतना आवाज़ कर रहा है। तो हम अभी यहाँ पे आग तो जला दिया मस्त करके, और लेमो बोल रहे कि कुछ स्पेशल है वो लेमो का ब्लॉग में देखने को मिलेगा। मैं बस आग को जला के रखती हूँ, आग आग जला के रख देती हूँ। इधर से ये वाला लकड़ी लेके जाती हूँ जल्दी राख गिरने के लिए। चलो हम लोग का जो लोकल चूल्हा है वो दीदी ने परसों में रिपेयर किया था, वो बहुत मछली वगैरह कुछ अगर चिकन वगैरह रोस्टिंग करने से पूरा गंदा हो जाता है, तो रिपेयर करने में थोड़ा तकलीफ है ना, इसीलिए यहाँ पे आग एकदम बढ़िया से जला दिया है। अभी इसमें मस्त करके राख वगैरह गिरेगा, हो जाएगा। अभी आग जो है मस्त करके जल रही है, तो अभी मैं पीऊंगी इनो का पानी। पता नहीं आजकल पेट में क्या हो गया, हम सभी जो है रात को कंपटीशन चलता है कौन कितना दे सकता है। पैं पूरा मेंढक जो है हम लोग का घर पे रात को आता है बहुत ज्यादा। चलिए अभी इसको पी लेते हैं। डिस्को क्लब में जाके दारू पी रहा है जैसा नहीं लग रहा है क्या? हाँ ये कप ना दीदी को गिफ्ट मिला था स्पेशल मैन से। समझ गए स्पेशल मैन कौन है, समझ गए कि नहीं? या क्या कि मेरे पे देखो ना इसको क्या लग रहा है, एग्जैक्ट RS बोतल वहाँ पे है, किसी ने मेरा वीडियो में नोटिस किया था, देखो RS हम लोग सुबह सुबह पीता है इसलिए बोतल है। बापरे चर्स चर्स। टंग भी नहीं किया है, टंग नहीं करता है, फटा देगा क्या? ऑरेंज फ्लेवर है ना इसलिए जो है ऐसा कलर आता है, देखो अच्छा है, अच्छा है। पर इसको अपनी को धोखा भी दे सकेगा ना। हाँ धोखा दे सकेगा, इनो को ऐसे मिला के छुपा के हम चार सेट कर सकेगा सेट। अभी ब्रेकफास्ट वगैरह भी निकाल दिया है, तो मैंने जो है यहाँ पे ऑमलेट बनाए हैं। ऑमलेट बनाते बनाते मेरा यहाँ में तेल लग गया, पूरा जल रही है इस वाला, और यहाँ में मेरा बच्चा भी जग गया है, इसको लाना पड़ा है। देखो सबसे पहले हम खाएंगे आज क्या क्या है, भाभी ने मछली दिया है लोकल मछली, इसी के साथ खाएंगे चलो। और लेमू के लिए जो है यहाँ पे रख दिया उसका थाली, ढक के रख दिया है मम्मी ने, और इसमें दवाई लगाना पड़ेगा, पूरा एकदम जल रहा है वो उंगली उंगली में। खाना खाने के बाद जो है हमने नहा लिया, सभी ने नहा लिया, अभी जो है हम जाएंगे सुपरमार्केट। आज जो है दुर्गा पूजा भी स्टार्ट है, तो आज देखते हैं जाएंगे कि नहीं। शुरुआत का दिन पे जो है उतना मजा नहीं लगता है, रेवन देखो नहाने के बाद पूरा एकदम हैंडसम बन गया। एक्चुअली मुझे जो है जाना था पार्लर पे, क्योंकि मेरा जो आईब्रो है बहुत ही लंबा हो गया फिर से, नहीं तो जंगली बगला जंगली जैसा लगेगा ना, तो इसलिए जो है हम जाएंगे अभी सीधा सुपरमार्केट। और हमारे घर पे जो चौंग आई थी वो जो है अंजिका के साथ गई है नामसाई पे, इतना दूर तो हम लोग नहीं जाएंगे। अभी मौसम भी एकदम ठंडा ठंडा कूल कूल कर दिया है, अभी हम जाएंगे। और मम्मी जो शर्ट वगैरह खरीद दिया था वो वाला थोड़ा लूज होता है, तो वो फिटिंग भी करना है। अभी सीधा जाते हैं मार्केट की ओर। अपना बस्ती का नदी जो है क्रॉस हो रहा है, दीदी जो है आगे आगे। हाँ आगे में भी पानी है क्योंकि बारिश दिया है ना, तो पानी जो है इतना बढ़ चुका है। ये देखो बेरंग नदी बहुत ही गहरा हो चुका है, पूरा डेंजर 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 डेंजर। और ये ब्रिज जो है पहले वाला उधर में था, पानी फैला था उस कारण जो है पूरा टूट के खत्म।
ये भी पूरा खराब हो रहा है। और वंजिता देखो, रेवन जो है यहाँ में सो रहा है मजे से। ये देखो अभी नाला भी इधर में आ चुका है, इसलिए मंजिता कह रहे थे अरे मेरा चप्पल अभी बिक जाएगा। मंजिता रुको 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 रुको, तुम इधर से जाओ, पकड़ना पड़ेगा, रुको पकड़ना पड़ेगा। कैसे जाएगा? हाँ इधर से जाने से ठीक होगा, इधर से पत्थर 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 का ऊपर में। चप्पल मत भिगाओ ना। हाँ मंजिता का भी गिरेगा गिरेगा। ए गीला हो गया मेरा, मेरा तो दो सकता है, मंजिता का बस पार हो गया। मंजिता ओ इतना ठंडा, बहुत ठंडा है पानी। हो आज तो हम लोग का साथ नाइंसाफी हो गया रे, क्योंकि तीन टू पार्लर पे जो है हम जाके फाइनल यहाँ पे पहुंचे हैं, क्योंकि दुर्गा पूजा का टाइम है, पता नहीं इतना सुंदर होने के लिए आ जाते हैं। अभी हम भी आए हैं सुंदर होने के लिए। अभी यहाँ पे जो है ट्रेडिंग वगैरह थोड़ा करेंगे, पूरा सभी पार्लर पे जो है एकदम बंद, सब बिजी। और यहाँ पे देखो रेवन पूरा इधर उधर देख रहे हैं, देखो ना कहाँ कहाँ देख रहा है ना। ये दीदी को देखता है ज्यादातर। रेवन क्या आईब्रो आईब्रो थ्रेडिंग करना है तुमको? हाँ थ्रेडिंग करना है, देखो मोबाइल पकड़ने के लिए। और आईना देखो, आईना इतना सुंदर है देखो देखो। रनो रनो ये कहाँ दिखता है? ये यहाँ में देख रही हूँ। ये देखिए बहुत अच्छा हो गया, मैं फर्स्ट टाइम ये वाले पार्लर पे आई हूँ तो मुझे जो है पूरा पसंद आया गया, इतना परफेक्ट है ना। ये देखो मेरा इस वाला साइज जो है उतना ठीक नहीं है, तो आज दीदी ने जो है एकदम बढ़िया तरीके से बना दिया, और बार बार जो है रस्सी भी टूट गया। अभी देखो अभी बहुत अच्छा हो गया, हम तो दिल खुश हो गया, दिल खुश। और रेवन बेटा को देखो वहां में दिल गर्दन गर्दन हो गया। थ्रेडिंग वगैरह करने के बाद हम लोग जो है बाहर पे घूमने आए हैं, यहाँ पे काफी खूबसूरत है ये देखो जगह। और ये वाला जो मंदिर है, पहले उस टाइम रेवन रेवन पेट में था क्या, हम भूल गया, इनॉग्रेशन किया था, तो बहुत सुंदर है ये मंदिर जो। अभी हम अंदर जाके जो है थोड़ा सा घूम के आ जाएंगे, और भगवान बुद्ध को जो है थोड़ा सा भगवान बुद्ध से आशीर्वाद ले लेंगे। और रेवन का भी फर्स्ट टाइम, मेरा भी फर्स्ट टाइम ये वाला मंदिर पे। ये देखो मंदिर का एरिया जो है काफी खूबसूरत है, मैं तो पहली बार आई हूँ ये वाला मंदिर का एरिया पे, ये वाला मंदिर पे। और यहाँ पे जो है भगवान बुद्ध का मूर्ति इतने बड़े बड़े है, ये देखो इधर में यहाँ में एक तो है, ये वाला इतना क्यूट लग रहा है मुझे, ये मंजिता का भी वो क्यूट लगा है, वो साथ लाइट है क्या। अभी यहाँ पे भैया का दुकान पे आए हैं, मैं कुछ इयररिंग्स यहाँ से देखूंगी, यहाँ पे थोड़ा कस्टमर है, अभी हम रेस्ट करते हैं, बाद में जाएंगे अंदर पे। हम यहाँ पे गोल्ड देख रहे हैं, ये देखो कितना कितना का है, बहुत सुंदर है। हमको तो ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है, दीदी को बटरफ्लाई वाला अच्छा लग रहा है, मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है। ये देखिए दोस्तों अभी जो है हम ट्राई करेंगे, चलो इसको पकड़ो। अभी मैंने पहन लिया है, ये देखिए दोस्तों बहुत ही मजा लग रहा है, मुझे जो है ऐसा हल्का फुल्का बहुत पसंद है, तो मैंने ट्राई कर लिया है, बहुत पसंद आया। यहाँ पे भी है ये वाला काफी सुंदर है। सकीना के घर आए हैं, क्योंकि बाहर पे हल्की हल्की बारिश के बूंदे गिर रहे हैं। और ये देखो बहुत दिनों के बाद मिले, हेलो। दुकान तो आते जाता है हम लोग पर घर में, हाँ जब से रेवन आया तब भी से हम यहाँ फर्स्ट टाइम आया, फर्स्ट टाइम आया है। और आंटी को दिखाने आया है, दिखा हाँ दिखा है, अभी वो नमाज पढ़ने के लिए गए, वो शांति बच्चा है, ऐसा बच्चा मिले मुझे। हाँ मिलेगा मिलेगा, आयान तो पूरा खुश है, और रेवन भी पूरा इतना हंस देता है ना, इसे पकड़ते है। जब रेवन बेड में था, इसी बेड में जो है हम दोनों ने हम तीनों रितु दीदी और ये और हम रोटी और मछली खाया था। मुझे ना बहुत रोटी खाने मन हुआ था उस टाइम पे, तो रेवन को भी शायद वो फील आ रहा होगा। ये वाला बिस्तर पे तो हमको थोड़ा अपना अपना लग रहा है, ये देखो ना हंस रहा है बाबा, मुसी मुसी मासी मासी पकड़े तो।
इनका घर आने के बाद जो है मेरा बच्चा इतना खुश हो गया, देखो कभी गाड़ी चलाता है, कभी करते जाता है, और दीदी पूरा उसको खिला रही है, देखो खेल रहा है ना। आओ 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 आओ, पूरा खुश है। ओ बाबा, ओ बाबा, अभी हम लोग का शैतानी दिमाग जो है इतना चालू है, दीदी लोग का साड़ी अच्छा लग रहा है तो हम फोटो खींच के जाएगा। ये देखो, ये जो है साउथ इंडियन साड़ी है तो मुझे पहनना नहीं आती है, ये सकीना मुझे पहना देगी, और दीदी को वही अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी, बहुत सुंदर सुंदर है, और रेहन जो है पूरा आंटी का वहां में। दोस्तों मैंने जो है साड़ी पहन लिया है, ये देखिए और इधर देखिए, अभी बस टेम्पररी के लिए जो है हमने ऐसे लगा लिया, बहुत ही अच्छा है, पर हमारे लिए जो है थोड़ा सा साड़ी पहनना हार्ड है, तो मेरा बॉडी में जो है थोड़ा सा चुभ रहा है, ये चुभ रहा है, थोड़ा अनकम्फर्टेबल लग रहा है, आदत नहीं है ना, तो जब भी मैं साड़ी पहनती हूँ, फर्स्ट टाइम एक बार हम तुमकाव रिजॉर्ट गए थे पिछले साल ना, वो हाँ पिछले साल इन्होंने, सकीना ने जो है मुझे पहना दिया था, अभी भी सेकंड टाइम सकीना ने पहना दिया, और ये भी फोर्थ नंबर दीदी का साड़ी मैंने पहन लिया, एकदम नया नया, बहुत सुंदर है। वो लोग जो है अभी इसको फिटिंग करना था, थोड़ा थोड़ा ब्लाउज वगैरह ठीक करना था, तो हमने ट्राई किया फोटो वगैरह खींचने के लिए, बहुत सुंदर है, वही तो बाहर इतना सुंदर लग रहा है। चलो ये देखिए दोस्तों, अभी जो है बस ऐसे टेम्पररी के लिए मैंने पहन लिया, इस वाला थोड़ा सा मोटा मोटा लग रहा है, अंदर में ब्लाउज पीस है, इसलिए नया साड़ी है अभी ना, नया नया साड़ी है, और साड़ी में कैसे लग रही है कमेंट करके जरूर बताओ, वैसे हमको तो बहुत सुंदर दिख रहा है, पर मुझे पहनना नहीं आता है और मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल भी लग रही है, तो सकीना बोल रही है कि सुंदर दिख रहा है, पीछे से पीछे से थोड़ा मुड़िए, ये देखो लुक, ये तो साड़ी का अपना लग रहा है, क्या बना के पर्दा बना के आ रही है, ये कलर भी लगभग सुंदर लग रहा है आपका, तो ये वाला मजा है, अभी घर पे पहुंच चुके हैं, सुबह गए थे, सुबह का टाइम पे गए थे, पूरा 4 बज चुका है, हम लोग का यहाँ में जल्दी रात होता है, पूरा शाम हो गया, और रेहन को जो है लम्बू का वहां में दे दिया, और सुनो आते आते एक लड़की ने बोला है रेहन इतना क्यूट है, बिल्कुल उसका पापा जैसा, तब यानी कि ये सुंदर है, किसी ने तो सच बोला है कि नहीं पापा, किसी ने तो सच बोला ना। अभी मुझे जो है वीडियो एडिट करना पड़ेगा, एक सेकंड भी रेस्ट नहीं है, तो लम्बू को जो है रेहन को रखना पड़ेगा, अभी फटाफट से वीडियो एडिट करके अपलोडिंग पे रखनी पड़ेगी, क्योंकि नेट भी नहीं चल रहा है ना, और रेहन के लिए जो है ये वाला मैंने ऑनलाइन से मंगा दिया था, ये देखो ठंडा का टाइम में पहनने के लिए इतना सुंदर आया है ना, मुझे जो है बहुत पसंद आया, ये देखो ये वाला मैं कल पहना दूंगी, हाँ टोपी ऑर्डर किया था, ये देखो ये वाला बहुत बड़ा है, तो ये भी ठीक लग रहा है मुझे, हाँ दोनों ही ठीक है, हाँ ये बहुत बड़ा होगा, तो अभी मैं ट्राई कर लेती हूँ, मुझे सबसे ज्यादा ये वाला पसंद है, इतना सुंदर है। आज का ब्लॉग जो है दोस्तों इसी के साथ एंड करना पड़ेगा, आज सकीना के घर गए, थोड़ा मोड़ा बातचीत किया, और साड़ी वगैरह पहनने के बाद फोटो शोटो खींचा, इतना सुंदर सुंदर फोटो ना, तो हम इंस्टाग्राम पे जो है पोस्ट करेगा, तो आप लोग जो है वहाँ पे जरूर से देखना, मेरा इंस्टा आईडी जो है रिपा तालुकदार, जेरी करके लिखने से भी आ जाता है, तो मेरा नाम है रिपा तालुकदार इंस्टाग्राम का, वहाँ पे जो है रियल नाम दे दिया मेरा, और आज साड़ी लुक में जो है मैं कैसी लग रही थी कमेंट करके जरूर बता दो, और ये वाला जो इयर रिंग्स है कैसा लग रहा है कॉमेंट करके इसे भी बता दो। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय एंड गुड नाइट सभी को, टेक केयर।